नेता जब शहमात का खेल खेलते हैं उस वक्त उनके दिमाग में बस एक बात रहती है कि अपने विरोधी को हराना है और वो तरीका भले ही गलत क्यों ना हो बस हराना है। इसीलिए योगी अपने कट्टर दुश्मन केशव मौर्य को घेरने के लिए उदयभान करवरिया को उन्होंने मैदान में उतार दिया है। क्यों उतारा है इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की राजनीति में आजकल काफी उथल पुथल चल रही है। दिल्ली और लखनऊ एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हैं। पहली लड़ाई तो योगी जीत गए लेकिन फिर शाह के इशारे पर केशव मौर्य बंद कमरे में बैठक करने लगे। अभी हाल ही में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और संगठन सचिव ने बात की लेकिन क्या बात हुई किसी को खबर नहीं लगी। लेकिन पत्रकारों ने जो अनुमान लगाया वो ये था कि योगी को हटाने के लिए नए सिरे से अब काम किया जाएगा। अब उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने नया दांव चल दिया और कहा जा रहा है कि इस दांव से केशव मौर्य की राजनीति ही चौपट हो जाएगी। जी हाँ, उदयभान करवरिया पहली बार राजनीति में और पहली ही बार में छक्का मार दिया। जिस सपने को उनके पिता भुक्कल महाराज पूरा ना कर सके अब उसी उदयभान करवरिया पर योगी की राजनीतिक कृपा हुई है। खबर है कि योगी केशव को काटने के लिए उदयभान करवरिया की सजा माफ कराकर राजनीति में फिर सक्रिय करना चाहते हैं और इसके लिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा जेल से समय से पहले करवरिया की रिहाई के आदेश दिए गए। इसीलिए उदयभान एक बार फिर विवादों में घिरे हैं। वो अपने भाइयों कपिल मुनि करवरिया और सूरजभान करवरिया के साथ प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अगस्त 1996 में समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की हत्या के सिलसिले में दोनों भाइयों को जेल हुई थी। उदयभान की रिहाई के लिए पटेल का आदेश प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और उनकी दया याचिका समिति की सिफारिश पर आधारित है जिसमें कहा गया था कि जेल में उनका आचरण सर्वोच्च स्तर का है इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन विश्लेषक इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी मौर्य को दबाने के लिए ये चाल चल रहे हैं। जानकारी देते चले कि योगी 2.0 के तहत भान से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और यूपी के कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को भी इसी तरह की सजा में छूट दी गई थी। त्रिपाठी दंपत्ति को 2003 में लखनऊ में कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे समय ने करवट ली है और क्यों उदयभान पर योगी आदित्यनाथ फिदा हुए हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है और कैसे योगी की रणनीति को करवरिया आगे बढ़ाते हैं। केशव मौर्य को सबक सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, लेकिन फिलहाल तो उदयभान करवरिया खबरों में बने हुए हैं। जानकारों का एक और कहना है कि बीजेपी के नेता लोकसभा हार से सदमे में है, ऐसे में एन केन प्राकरण किसी भी सूरत में आगे नुकसान ना हो इसलिए सब कुछ किया जा सकता है। पत्रकारों का यह भी कहना है कि यूपी के पृष्ठभूमि में ब्राह्मण नेता उदयभान की रिहाई से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर क्षेत्र में पार्टी की संभावनाओं के बेहतर होने की उम्मीद है। प्रयागराज क्षेत्र की 5 सीटों में से पार्टी ने हाल ही में संपन्न चुनाव में 4, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर हार गई और यही दर्द बीजेपी को सता रहा है। इसीलिए उदयभान बीजेपी के लाडले बनते नजर आ रहे हैं। अब समय की मांग पर देखना है कि होता क्या है और कितना बीजेपी अपने इस दांव में कामयाब होता पाती है। क्या योगी आदित्यनाथ अपने इस दांव से केशव प्रसाद मौर्य की जो बौखलाहट है, जो वो उछल रहे हैं, उसे कम करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।